प्लम्ब ऑफ स्टेट हम देख लेंगे दोनों कोना को। पहला एंगल याद रखे, पहला जब भी आप फिक्स करें तो ऊपर से ही पहला, उसके लिए हमें वाटर लेवल की जरूरत पड़ता है। तो वाटर लेवल के थ्रू हम जैसे देख रहे हैं जैसे ये, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेयर के बारे में, मीन्स सीढ़ी, कि अगर आप अपने घर में सीढ़ी बनवा रहे हैं तो उसे कैसे उसे ठोका जाता है, शटरिंग कैसे किया जाता है, लोहा कैसे बांधे, कौन सा एमएम का सरिया प्रोवाइड करें, स्पेसिंग सरिया का क्या रखें, डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है वो कौन सा प्रोवाइड करें, राइजर थ्रेड क्या रखें, और उसके बाद आपका जो है लैंडिंग का स्पेसिंग क्या रखें, मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बन रहे, काफ़ी वीडियो मज़ेदार होने वाली है और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहे और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, मैं आपको सारा चीज़ इसके बारे में आज बताने वाला। तो पहली स्टेप में इसमें चलते हैं, जैसे कि आपको जो साइड फेस से दिख रहा है ये आपको, तो साइड फेस से पहले साइड मार्कर इसे कंप्लीट कर लेंगे ताकि कंक्रीट को ये बचा सके बाहर फेस से गिरने से। तो ये जो आपको दिख रहा है पहले लेयर में, इसको हम एक साइड मार लेंगे, ये साइड भी साइड मारेंगे और ये साइड भी साइड मारेंगे, मीन्स कि दोनों फेस को पहले हम छेक लेंगे। तो अभी कुछ हम सरिया की बात कर लेते हैं। अब आपको जो सरिया दिख रहा है ये नीचे की ओर जो बिछाया हुआ सरिया दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं मेन बार, और ये जो उसके ऊपर में बिछाया गया है ये देखिए, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसे हम बाइंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो मेन बार जो है आपका, जो स्पेसिंग है इसका, ये जो स्पेसिंग है आपका 100 mm सेंटर से सेंटर है, मीन्स कि 4 इंची, और उसके बाद ये जो स्पेसिंग है आपका बाइंडर का वो 8 इंची सेंटर टू सेंटर है, मीन्स कि 200 mm। तो अब जो मेन बार है आपका, ये जो दिख रहा है मेन बार, तो मेन बार जो है ये 10 mm सरिया है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइंडर जो है, ये आपका जो सरिया है 8 mm का सरिया है। तो इसी तरह से आपको पूरा सरिया बिछा लेना है, जितना नंबर ऑफ सरिया बचे वो बिछा लिया, ठीक है। सरिया बिछाने के बाद आपका एक ये पार्ट आता है, ये जो आपको दिख रहा है ये देना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बीम में से ही निकल कर आता है, जैसे यहाँ आपने बीम खड़ा किया था तो उसमें से ही सारा निकल कर आता है, ये दोनों सरिया, ये भी और ये भी। तो ये आपका जो हो गया L/4 के एरिया में हो गया, जैसे कि सीढ़ी का अगर आपका टोटल हाइट, टोटल लेंथ जितना है उसको L/लेंथ को 3 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादातर L/4 या L/3 ही दिया जाता है, और जितना आपका लेंथ बचेगा ये आपका डबल बार हो जाएगा, ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है ये आपका डबल बार हो जाएगा। तो ये आपको बॉटम में भी प्रोवाइड करना है और ऊपर आपको ये टॉप में भी प्रोवाइड करना है, यहाँ पे भी प्रोवाइड करना है, इसके टॉप में भी, इसमें भी प्रोवाइड करना है, और उसके बाद फिर ये बॉटम में भी प्रोवाइड करना है, बाकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पूरा परमानेंट रहना ही है। अब हम चलते हैं स्टेयर के पहली स्टेप पे। अब पहला स्टेप हम देखेंगे ऊपर से स्टार्ट करना है, कभी भी सीढ़ी को अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहला जो धाप होता है राइजर और थ्रेड का वो आपको ऊपर से देना है, जैसे कि ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये देखिए, अब मुझे टोटल इसका 10 इंची आपको रखना है, गौर से अगर आप टिप देखेंगे तो ये 10 इंची आपको दिख जाएगा, 10 इंची पे आपका थ्रेड रखना है, उसके बाद जो राइजर रहेगा आपका ये 6 इंची पे राइजर रहेगा। तो ये देखिए, देखिए अगर टेप आपको दिख रहा है तो 6 इंची आपका वो जो हो गया ये राइजर का पार्ट हो गया, और इधर से जो पटा वो 10 इंची थ्रेड का पार्ट हो गया। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो पहला अभी इसमें हम कांटी को कील कर लेंगे, बढ़िया से इसे फिक्स करेंगे, जैसे जैसे वीडियो में बता रहे हैं आप देखते रहें, आप पूरा स्टेयर को ठोकना सीख जाएंगे खुद से, ये वीडियो को देखने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा कि स्टेयर को कैसे ठोका जाता है, क्या क्या तरीका होता है, मेन प्रोसीजर इसका क्या है, सब आपको क्लियर होने वाला है आज इस वीडियो में देखने के बाद, ठीक है। चलिए तो अब एक कोना आपका जो है फिक्स हो गया 10 इंची थ्रेड और 6 इंची राइजर का। अब इस पर हम सेकेंड कोना को देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे, और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, वही चीज़ कि 10 इंची इधर से आपको देखना है, 10 इंची ये देखना है, उसके बाद हाइट में आपको 6 इंची इधर भी देख लेना है। Thank you.
देखिए अब ये दोनों कोना फिक्स हो गया। अगर आप देखें वीडियो में तो ये दोनों कोना को फिक्स कर लिए हैं। ये दोबारा आप देख लीजिए 6 इंची और उसके बाद फिर इधर से भी आप देख लीजिए 10 इंची। ये फिक्स हो गया दोनों कोना, ये भी कोना फिक्स हो गया आपका और उसके बाद ये भी कोना फिक्स हो गया। अब जब सब चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें प्लम बोब को यूज करेंगे। प्लम बोब जिसे साहुल कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्लम बोब बोला जाता है। तो इसे प्लम बोब से स्ट्रेट हम देख लेंगे दोनों कोना को। पहला एंगल याद रखिए, पहला जब भी आप फिक्स करें तो ऊपर से ही पहला एंगल फिक्स करना है इसका स्टेप, उसके बाद नीचे ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्ट चलते जाना है, ठीक है। तो ये दोनों कोना को हम साहुल पहले चेक कर लेंगे कि एक सीध में है कि नहीं और उसके बाद फिर करने के बाद फिर एक बार टेप को चेक कर लेंगे ताकि मतलब इधर उधर हो ही जाता है। अब उसको हम जो पहला जो वहाँ पे हमने राइजर थ्रेड का पार्ट लगाया वहाँ से हम मेजरमेंट कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे सारा को कि हमें कितना यहाँ से वहाँ तक बन रहा है भाई साउल के थ्रू प्लम बोब के थ्रू। तो ये आपको जो दिखा जो फर्स्ट स्टेप वहाँ से हमने लगाए ये अभी आपका 110 इंची पे हमने इसे फिक्स कर लिया। यहाँ पे देखिए प्लम बोब गिरा कर ये पोजिशन आया उस लेवल से 110 इंच। 110 इंच जो आया हमारा 10-10 इंची का जो हमारा थ्रेड है वो 10-10 इंची का थ्रेड जो है हमारा इसमें 11 नंबर ऑफ थ्रेड आकर बैठ जाएगा, ठीक है। 11 दहिया 110 मीन्स कि आपका जो यहाँ पे जो साउल गिरा वहाँ से ऊपर लेकर आपका 11 दहिया 110 इंच मतलब कि आपका 11 नंबर ऑफ थ्रेड बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब बस आप वीडियो में बन रहे हैं और सेकेंड स्टेप में आपको बताऊँगा जैसे जैसे काम होगा। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप को दोनों मुंह को हम बाई वाटर ट्यूब के थ्रू इसे लेबल कर लेंगे। पहला काम साहुल किए थे स्टेट देखने के लिए, अब इस दोनों मुंह को इस मुंह को और इस मुंह को एक सीध में है कि नहीं उसके लिए हमें वाटर लेबल की ज़रूरत पड़ता है। तो वाटर लेबल के थ्रू हम जैसे देख रहे हैं जैसे ये भी मुँह सेम होना चाहिए और उसके बाद फिर वो भी मुँह सेम होना चाहिए तो बाई वाटर लेबल से ये पता चलता है। इसका कॉन्सेप्ट एक और समझ लीजिए, हमने ऊपर को टॉप सेट कर दिया, नीचे में हमने बॉटम सेट कर दिया, ठीक है। अब दोनों टॉप बॉटम को अब हमने सारा इसको अब फिक्स कर लिया। अब हमको सेम चीज़ क्या करना है, ये जो आपको धागा दिख रहा है ये टॉप बॉटम में धागा हमने बांधने, धागा किस फेस में बांधना है आपको ऊपर के फेस में, इधर भी हमने धागा बांध लिया, दोनों तरफ धागा को फिक्स कर लेंगे। और धागा कौन सा फेस में बांधेंगे, इस फेस में। अगर आप गौर से देखें तो धागा हमारा जो है इससे सटकर धागा बनेगा और ये धागा जो है आपको वहाँ तक जाएगा और ये भी धागा जो है आपका ये वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम फटाक 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 ठोकते चले जाएंगे और आपका ये स्टेयर। तो फिर आपका जब ये अब देख लिए धागा, अब सारा इसका काम खत्म हो गया धागा जब हमने बांध दिया, तो क्योंकि देखिए धागा पे ही हम इसको फटाक से सेट करते जाएंगे, बस नापी उठाते जाएंगे और धागा के ऊपर से हम इसको सेट करते जाएंगे। तो अब इसी तरह से आपको ये धागा के शेप में रखते हुए थ्रू आउट इसे ठोकते चले जाना है, ठीक है। फाइनली आपका जो है ये स्टेयर बनकर हो गया तैयार जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो खुद से भी अपना स्टेयर का काम करवा सकते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे इसे ठोका जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, स्टील कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सब चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बताई गई जानकारी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।